हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ऐसी पांच प्रो टिप्स के बारे में जो ना पहले आपने कभी सुनी होगी और ना ही देखी होगी। दोस्तों, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं, बट मैं जो आपको टिप्स बताने वाला हूँ ये उन सबसे अलग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन टिप्स को। पहली टिप है कार के बारे में। दोस्तों, कार को ओपन ग्राउंड में रोकना काफ़ी बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि यार कार को नोटिस करना काफ़ी आसान बात है। दोस्तों, दूर से दिख जाता है कि वहाँ से कार जा रही है, सब लोग उसे नोटिस करते रहते हैं और जैसे कार रुकती है तो उस पर गोलियाँ बरसाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आपको जब भी कार रोकनी पड़े तो केवल घर या फिर पत्थर पेड़ों के पास ही कार को रोकिए, ताकि जब भी आप पे गोलियाँ बरसे तो आपके पास छुपने का कोई ना कोई सहारा ज़रूर हो। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी टिप के बारे में, जो है कार 98 और M24 के बारे में। दोस्तों, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे सामने जब हमें कार 98 और M24 में से एक गन को चूज़ करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग दोस्तों कार 98 को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने देखी हुई है काफ़ी सारी वीडियोस इंटरनेट पे जिसमें लोग कार 98 से हेडशॉट में किल करते नज़र आते हैं। पर दोस्तों, मैं बता दूं, M24 कार 98 से हर हाल में बेटर गन है, चाहे वो बात डैमेज की हो या फिर रीलोडिंग स्पीड की। जी हाँ दोस्तों, M24 का डैमेज और रीलोडिंग स्पीड दोनों ही ज़्यादा है कार 98 से, क्योंकि दोस्तों अगर हम M24 के साथ क्विक ड्रॉ को अटैच करते हैं तो वो उसकी रीलोडिंग स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन कार 98 के साथ हम लोग अटैच नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है आपके पास जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप M24 को ही चूज़ करिए। तीसरी टिप है फ्रैग ग्रेनेड से रिलेटेड। कुछ लोग दोस्तों बिना टाइम को देखे ग्रेनेड को फेंक देते हैं, जिससे एनिमी को भागने का मौका मिल जाता है। तो मेरा मानना है कि दोस्तों टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करके ही ग्रेनेड को फेंकें, ताकि अगले बंदे के पास जो आपका एनिमी है उसके पास भागने का मौका ना हो। अब बात करते हैं फोर्थ टिप के बारे में, जो है लास्ट सर्कल के ऊपर। दोस्तों, ये वाली टिप काफ़ी प्रो टिप है जो कुछ लोग नहीं जानते। आप जब भी दोस्तों लास्ट सर्कल में हो और सिर्फ तीन बंदे बचे हुए हैं आपको मिलाकर, तो कभी भी दूसरे बंदे को मत मारिए, बिकॉज अगर आप दूसरे बंदे को मारोगे तो पहले वाले को आपकी लोकेशन का पता चल जाएगा। ऐसा होने के बाद दोस्तों वो आपको ग्रेनेड से ही मार देगा, तो इसलिए सेकेंड लास्ट बंदे को मत मारिए। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी लास्ट टिप के बारे में, जो है स्क्वाड से रिलेटेड। मेरे को लगता है दोस्तों श्राउड को छोड़ के बाकी सब लोग स्क्वाड बॉम्ब को ही प्रेफर करते हैं पबजी में खेलना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को पसंद है स्क्वाड में खेलना, लेकिन उन्हें एक मेन टिप जो स्क्वाड के बारे में वो नहीं पता। वो लोग दोस्तों लूट के चक्कर में स्क्वाड से अलग होकर काफ़ी सारे घरों में ढूंढते रहते हैं ताकि उन्हें अच्छी गन मिल जाए, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि चार लोग एक बंदे को आसानी से मार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग स्क्वाड बॉम्ब को खेलते हैं तो हमेशा अपने स्क्वाड के साथ ही रहिए, क्योंकि दोस्तों एक स्क्वाड में चार बंदे हैं और एक बंदा दो गन से ज़्यादा गन नहीं उठा सकता, वो पिस्टल को छोड़ के। तो दोस्तों अगर उन्हें एक्स्ट्रा गन मिल भी जाए तो वो लोग आपको दे सकते हैं। तो लूट के चक्कर में दोस्तों अपने स्क्वाड से अलग मत होइए, क्योंकि वो चार लोगों के पास हर अगर दो बंदे के पास भी गन होगी तो वो लोग आपको आसानी से मार सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पबजी के बारे में कुछ टिप्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।